होता था 6.0, कौन सा होता था 6.0 था, फिर जो है उसके बाद 7.0 आया, इसी तरीके से आगे फोटोशॉप बढ़ते गए, फिर सीएस फोटोशॉप आए, फिर सीसी आए। अब ये जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं ये फोटोशॉप सीसी है, लेकिन ये 2014 का वर्जन है, ठीक है ना। अभी तो 2020 और 19 आए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा ये है कि सिस्टम के ऊपर हैवी हो जाते हैं उनके लिए। कम से कम ये है कि आपको 6 से 8 GB की रैम चाहिए और स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो वो चलने में, जबकि चीज़ें वही हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है, तकरीबन चीज़ें वही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें ज़्यादा डिफाइन की हुई उन्होंने और ज़्यादा जो है आसानी से समझ आती हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझा देंगे। देखें, पूरा फोटोशॉप तो हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि इसमें ग्राफिक के ये सॉफ्टवेयर हैं, और जब आप ग्राफिक्स का स्पेशल कोर्स करते हो तो उसमें आप पूरा फोटोशॉप सीखते हो, जिसमें मास्किंग आ जाती है, जिसमें 3D के ऑप्शंस आप सीखते हो, लेकिन यहाँ पर हम जो आप जो बेसिक चीज़ें सिखा देंगे उसमें इमेज एडिटिंग होगी कि आप इमेज वगैरह को कैसे साफ़ कर सकते हैं, और जो ख़ास तौर पर आपके ये जो टूल्स हैं इन टूल्स को हम आपको बता देंगे कि जी कौन कौन सा टूल यूज़ करके आप क्या काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, और इन टूल्स की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, इसको आज हम जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो लेआउट है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पेज नहीं होता। जैसे हमने इन पेज स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया कि इन पेज में भी पेज नहीं था, तो पेज हमने खुद उसकी साइज सेलेक्ट करनी होती है कि हमने किस चीज़ के लिए काम करना है, आया हमने वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, आया हम कोई मोबाइल के लिए जो है वो बना रहे हैं इमेज, या हम A4 साइज़ पे बना रहे हैं, या हम लेटर साइज़ पे बना रहे हैं, लीगल साइज पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद न्यू का ऑप्शन है हमारे पास, न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, आपसे पूछ रहा है कि आप जो पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए। अब थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को समझें क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप आसानी से इसके ऊपर इमेजेस बना सकते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर कस्टम साइजेस आ रही हैं, कस्टम साइजेस पे हम क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़, अगर डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ पे जाते हैं तो ये इंचेस पे आ रहा है, बल्कि हम इसको इंचेस के बजाय जो है हम इसको करेंगे पिक्सल पे। हमेशा एक चीज़ याद रखें, फोटोशॉप की जो इमेज बनती है उसे कहते हैं रास्टर बेस्ड इमेज। कौन सी इमेज है ये? रास्टर बेस्ड इमेज कहलाई जाती है। और इसी तरीके से आगे जो आपका टॉपिक आने वाला है इलस्ट्रेटर का, इलस्ट्रेटर में आप पढ़ेंगे वेक्टर बेस्ड इमेज, ठीक है ना। ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक क्या होता है और रास्टर बेस्ड ग्राफिक क्या होता है, बेसिकली रास्टर बेस्ड जो ग्राफिक होता है वो होता है पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। पिक्सल क्या है इसको भी आगे चल के जो है हम डिफाइन करते हैं कि पिक्सल होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पेज की साइज़ लेंगे, ये आपकी डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ है। अगर आप US पेपर पे जाएंगे, देखें ये लेटर साइज़ है जो नॉर्मल आपके पास होती है। हम फिलहाल जो है हम वेब के लिए काम करते हैं, और वेब पे जब हम काम करने जाते हैं तो हमारे पास नॉर्मल जो पेज आता है वो 800 बाय 600 पिक्सल्स पे आता है। कितने पे? 800 बाय 600 पिक्सल्स पे, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो आपने रखनी है 72 पिक्सल्स। कितनी? 72 पिक्सल की जो है वो आपने रेजोल्यूशन रखनी है। कलर मूड आपका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब मैं क्लिक करता हूँ तो बिट मैप कलर आ रहा है, ग्रे स्केल आ रहा है, RGB कलर आ रहा है, CMYK के इसे सियान कलर भी कहते हैं, ठीक है, और लेब कलर आ रहा है। अब ज़्यादातर हम जो इमेजेस बनाते हैं अगर आप ग्रे स्केल पे बनाएंगे तो उसमें कलर नहीं आएगा, वो ब्लैक एंड वाइट जैसे हम कहते हैं इसी में ग्रे में ही आपकी वो इमेज बनेगी, ठीक है। बिट मैप इमेज, बिट मैप के जो कलर होते हैं वो कलर जैसे आप पेंटिंग में यूज़ करते हैं कलर, जिनका ग्राफिक्स जो है वो हाई रेजोल्यूशन पे काम नहीं करता, ये बिट मैप इमेज उस तरह के होते हैं जैसे आप पेंट में काम करते हो, ठीक है, या PNG जो टाइप है ग्राफिक की उसको आप यूज़ करते हो, जिसमें बिट मैप कलर्स आते हैं।
सियान कलर जो है ये ऐसे कलर हैं कि जब आप ये कलर यूज करते हो तो आप फिर कुछ ऐसे कलर हैं जो आरजीबी में आप बना सकते हो। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसमें आप तमाम कलर बना सकते हैं। सियान कलर में ये होता है कि आप गोल्डन कलर नहीं बना सकते, इसमें अगर आप गोल्डन बनाने चले जाएंगे तो वो गोल्डन का कलर नहीं आएगा बल्कि वो येलोइश कलर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फ़र्क होते हैं इनमें, लेकिन ज़्यादातर जो हम डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड का जो कॉन्टेंट रखते हैं, हम कलर का मूड ये हम रखते हैं आरजीबी। किस पर रखते हैं? आरजीबी पे हम रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो बिट सिलेक्शन है ये हम 8 बिट ही इसको रखेंगे ताकि आपका जो है वो बाइट्स के हिसाब से आपके इमेजेस जो है वो बने। बैकग्राउंड कंटेंट्स में ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप बैकग्राउंड का कोई कलर रखना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप बैकग्राउंड का कलर रख सकते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड ही ना हो, उसका कोई कलर ही ना हो, मैं कहीं पर भी उठा के उसे सेट कर सकूँ, तो आप ट्रांसपेरेंट इसे रख सकते हैं। लेकिन चलें शुरू की चीज़ें हम वाइट बैकग्राउंड इसका रख देते हैं। ठीक है, कलरफुल प्रोफाइल आपको बता रहा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहने दें। देखिए मैं इसको ओके करता हूँ तो ये आपके पास एक पेज ओपन करेगा 800x600 की साइज़ का, ये आ गया। ठीक है जी, ये देखें, ये एक पेज आपके पास आ गया है। और सबसे पहले हम इस टूल को जो है वो समझेंगे कि ये कौन सा टूल है। इसको कहते हैं मूव टूल। कौन सा टूल? मूव टूल। ठीक है, मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें ओपन, और ओपन में जाके ये एक पिक्चर मैंने ले ली। ये पिक्चर मैंने इसलिए ली ताकि मैं आपको मूव टूल को ये समझा सकूँ। ठीक है, इस पिक्चर को मैं कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लूँगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर वी करके इसको पेस्ट किया तो अब ये जो पिक्चर है ये आपको इस वक्त 100% पे ही दिखा रहा है, और ये हमें पता चल गया कि ये पिक्चर छोटी पिक्चर है। ठीक है, बड़ी पिक्चर नहीं। अगर बड़ी पिक्चर होती तो ये पूरे हमारी जो है वो पेज में आ जाती, बल्कि और भी जूम करके आ जाती। ठीक है, तो ये है आपका मूव टूल। मूव टूल की मदद से ये होता है कि आप इसे उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इमेज ओपन की, मैंने इसे उठाया और कहीं पर भी रख दिया। ठीक है, ये आपकी टूल बार है, इसी में सारे टूल्स हैं, इन्हीं को हम जो है वो सीखेंगे कि टूल्स कौन कौन से हैं। मूव टूल की मदद से आप किसी भी चीज़ को उठाकर ऑब्जेक्ट को जो है वो चेंज कर जगह उसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप एडिट में चले जाते हैं, एडिट में जाने के बाद देखें यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ट्रांसफॉर्म। जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ से ये मूव टूल के ही फंक्शन आ रहे हैं। अगर आप स्केल करते हैं, देखें स्केल से क्या होता है, इस तरीके से आप इसको जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके मूव टूल में काम करेगा। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो भी ये फंक्शन आ सकते हैं। रोटेट अगर आपने करना है, रोटेट करेंगे, देखें डायरेक्ट रोटेट का फंक्शन आ गया। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी काम आपसे गलत हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल जेड करके जो है वो बैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी और है, अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो सिर्फ वन स्टेप ये बैक जाएगा। ठीक है, अगर आपने मज़ीद इसको जो है वो बैक करना है तो आप कंट्रोल अल्टर प्लस जेड करेंगे। ठीक है, अल्टर कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, या आप जो है वो इस मूव टूल से निकलने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो जो मूव की हमने जो है टूल की सिलेक्शन की हुई थी और वो चेंजिंग कर रहा था तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अभी ये मूव टूल जो है मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वो पॉइंट्स नहीं आ रहे कि मैं पिक्चर को कैसे जो है वो सेट करूँ। तो यहाँ से देखें ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये दोबारा वही पॉइंट्स मेरे पास आ गए जिनसे मैं पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट में जाएंगे दोबारा ट्रांसफॉर्म और स्किप करके देखते हैं। ये देखें स्किप से क्या होता है कि आप किसी एक कोने को पिक्चर के किसी एक पॉइंट को पकड़कर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसको कर सकते हैं बड़ा। ठीक है, या अगर छोटा करना है यहाँ से यूँ छोटा कर सकते हैं। देखें
डिस्टॉर्ट में देखें क्या होता है, डिस्टॉर्ट में भी आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं एक ही पॉइंट को पकड़ के, ठीक है। पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे वो दोनों पॉइंट्स आपके जो है वो बड़े हो रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप इमेजेस को कोई सेटिंग बनाना चाहते हैं इस तरह की, तो इस तरीके की इमेजेस आप इस पर्सपेक्टिव के फंक्शन से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर मूव टूल था, मूव टूल की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये मूव टूल है, इससे आप पिक्चर को कहीं भी उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, ठीक है। रेक्टेंगुलर मर्की टूल, मर्की टूल होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ। यहाँ से लेयर में जो है वो ओपन कर लूँगा। लेयर ओपन करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई काम बैकग्राउंड में, मिसाल के तौर पर अगर मैंने बैकग्राउंड पे काम किया, यहाँ से ये मैंने एक सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। कलर हम देते हैं, इस कलर का जो टूल का नाम है पेंट बकेट टूल है। और यहाँ से देखें कलर की सिलेक्शन में करूँगा, कलर सिलेक्शन में कोई भी कर सकता हूँ, ठीक है, और ओके करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके कलर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कलर करके जब मैंने इसको ओके कर दिया, अब मैं इसे यहाँ से मूव नहीं कर सकता। अगर मैं मूव टूल भी ले लूँ तो भी मैं इसे मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वजह ये कि मैंने बैकग्राउंड के लेयर पर ही इसे बना दिया है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोशिश ये करें कि आप जो है वो लेयर अलग से चूज़ करें, ताकि आप उसे फिर बना सकें। अब मिसाल के तौर पर मैं नया यहाँ से लेयर लेता हूँ, देखें ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल पे यहाँ पर आपके पास ये न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये एक लेयर बन गया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा करता हूँ, देखें, और मैं इस पर कलर कर देता हूँ। कलर करने का एक तरीका मैंने आपको बताया ये कि आप पेंट बकेट टूल से इसको डायरेक्टली कलर कर सकते हैं, ठीक है, या अल्टर बैक स्पेस से आप इसको कलर कर सकते हैं। किससे, अल्टर बैक स्पेस से आप वो कलर करेंगे ये जो फॉरग्राउंड कलर है, और कंट्रोल बैक स्पेस से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, जो लास्ट नीचे कलर दिया हुआ है वही कलर आप इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो हम अल्टर बैक स्पेस करेंगे और ये कलर इसमें जो है वो आ जाएगा। अब अगर मैं मूव टूल ले लेता हूँ और मैं इसे उठाकर कहीं भी मूव करता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड के लेयर में नहीं बना हुआ, अलग से लेयर में बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैं इसको ला रहा हूँ तो ये इसके बैक में जा रहा है, सामने नहीं आ रहा है, जबकि मैंने इसको बाद में बनाया, इसको पहले बनाया। लेकिन देखें यहाँ पर ये जो लेयर पैनल आ रहा है, यहाँ पर वन लेयर बता रहा है ये वाला, जिसमें गाड़ी की पिक्चर है, और टू लेयर बता रहा है क्योंकि ये इससे नीचे है। अगर मैंने इसको यहाँ से ऊपर कर दिया तो क्या होगा, ये इसके लेयर के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपने किसी कभी ऐसा कोई काम करना है कि एक लेयर आप बना रहे हो और दूसरा लेयर उसके नीचे जा रहा है, तो कोशिश करें जिस लेयर से आप ऊपर रखेंगे वो फिर उसके सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो था आपका टूल, ये मेन सिलेक्शन टूल भी कहलाता है, कि आपने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद आप उस एरिया को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर आप जो है वो ब्रश के ज़रिए कलर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलें हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल इसी टूल पे करते हैं, रेक्टेंगुलर मर्की टूल पे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये टूल और मज़ीद किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। हम एक पिक्चर ओपन करेंगे, पिक्चर ओपन करने के बाद कहाँ से पिक्चर कौन सी ले लें, पिक्चर छोटी है पता नहीं बड़ी है, ठीक है। लेकिन ये एक पिक्चर मैंने जो है वो अपने पास ले ली है। पिक्चर लेने के बाद मैं यहाँ से इसको जहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी करके मैं एक न्यू पेज ले आऊँगा। जब मैं कंट्रोल एन करूँगा,
अब यहाँ पर जो मुझे सिलेक्शन दिखा रहा है, जो मैंने एरिया सिलेक्ट करा किया था वही साइज़ मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है ये उस साइज़ का पेज ओपन करेगा। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो क्या होगा, देखें जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था ये पेज उस साइज़ का इसने ओपन कर दिया। अब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो मेरी सेम वही पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी जो मैंने बैक में रखी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, राइट क्लिक करेंगे तो ये इसके और मज़ीद फंक्शंस जो है वो आ जाएंगे। अब मैं रेक्टेंगुलर के अलावा, बल्कि रेक्टेंगुलर में ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें एक चीज़ आ रही है, फेदर, क्या आ रहा है, फेदर आ रहा है, ठीक है। फेदर ये होता है कि अगर मैं इसको जो है वो ड्रा करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैं इसका फेदर बढ़ा दूँ, अभी जब मैंने ड्रा किया तो देखें इसके ये कम्प्लीटली एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके कोने वगैरह हर चीज़ बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसके फेदर को इसको मैं कर देता हूँ 50, और अब मैं अगर इसे ड्रा करता हूँ तो देखें क्या होगा कि इसके कोने जो है वो कट जाएंगे, क्या होगा, कोने कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर एक जो है वो इस तरीके से बना देता हूँ। और अब मैं इसमें अगर कलर करूँगा तो देखें कलर कैसा आएगा, यही कलर मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे ये मसला ये आ गया कि मैंने लेयर दूसरा नहीं लिया, ठीक है। कलर क्यों सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसी इमेज के लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लाजमी जो है वो लेयर दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक कलर लेयर ले लेता हूँ, लेयर लेने के बाद मैं इसे दोबारा जो है वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इसमें कलर करता हूँ, अल्टर बैक स्पेस, तो इस तरीके से कलर आएगा। पहले जब हमने कलर किया था तो क्या हुआ था, पूरे जो है वो उस पर सिलेक्शन पे कलर बराबर आ गया था, अब वो बराबर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसका फेदर जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका एक और डिज़ाइन बना लेते हैं, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट में जाकर इसको मैं कर देता हूँ इनवर्स, क्या कर देता हूँ, इनवर्स, ठीक है। अब जब देखें इनवर्स करूँगा तो मेरा कलर इस एरिए को छोड़ के इसके बाहर कलर आएगा। अब अगर मैं अल्टर बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो कलर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जो मेरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उस पर कलर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इमेजेस को डिज़ाइन भी कर सकते।